नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा फड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों नियत डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका, चंबल में बीजेपी के 100 नेताओं ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। मुसलमानों को लेकर फ्रांस से राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा भारत में मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं बीजेपी और आरएसएस। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का सनसनीखेज दावा, कहा राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होकर लौट रहे लोगों के साथ हो सकती है गोधरा जैसी घटना। बरेली में उर्से आला हजरत के मौके पर उलमाओं ने किया बड़ा ऐलान, कहा जो पार्टी मुसलमानों के लिए करेगी काम, मुसलमान 2024 में उसी पार्टी को देंगे वोट। फिल्म जवान में शाहरुख खान ने लगाई डॉक्टर कफील खान की बेगुनाही पर मोहर, कफील खान ने शाहरुख खान को कहा थैंक यू। बीजेपी को लग सकता है एक और बड़ा झटका, सोनिया गांधी से मिले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक बार फिर से कर सकते हैं कांग्रेस में वापसी। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को जल्दी से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर ले। इसी के साथ उससे पहले फड़ी की मनकाल के शानी, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी के 100 नेता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के चंबल से बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र भास्कर ने बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से इस्तीफा देकर आज कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जितेंद्र भास्कर ने कहा कि वे डॉक्टर गोविंद सिंह की कार्यप्रणाली से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी दलितों पर अत्याचार और उनका शोषण कर रही है, लेकिन अब हम सबको डॉक्टर गोविंद सिंह को जिताकर विधानसभा भेजना है और प्रदेश में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनानी है और बीजेपी को पूरी तरीके से यहां पर चुनाव हराना है। जो बड़ी अपडेट है, लगातार झटके पे झटके मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह और भाजपा को लग रहे हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी की मन के एलोकेशन। मुसलमानों को लेकर फ्रांस से राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा भारत में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस। दरअसल आपको बता दें फ्रांस के पेरिस में साइंसेस पीओ यूनिवर्सिटी में एक भाषण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार और दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस पर भारत में मुसलमानों को हाशियाई पर रखने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने देश में इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए चिंता भी जताई। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस हाशियाई पर पड़े और पिछड़े समुदाय के लोगों की आवाज और भागीदारी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता जहां लोगों के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया जाए क्योंकि वे मुसलमान हैं। राहुल गांधी ने अपने ही देश में मुसलमानों के असहज महसूस करने पर चिंता व्यक्त की और इसे भारत के लिए शर्मनाक मामला बताया जिसमें सुधार की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ चली के मन के बरेली में उर्से रजवी के मौके पर उलमाओं का बड़ा ऐलान, कहा जो पार्टी मुसलमानों के लिए करेगी काम उसी को मुसलमान 2024 में देंगे वोट। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित मशहूर दरगाह आला हजरत के 3 दिवसीय उर्से रजवी के मौके पर उलमाओं ने मुसलमानों के मुद्दे पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया। इसमें देश भर के सामाजिक धार्मिक और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। उर्से आला हजरत के मौके पर पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलमाओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की। मौलाना ने मोदी सरकार राज्य की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, जुल्म और जाति को भी ज्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर सकते। सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा और मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। साहबुद्दीन ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सूफी विचारधारा का नारा दिया था, लेकिन दोनों नारे खोखले साबित हो गए। ना मुसलमानों को साथ लिया गया और ना ही सूफी विचारधारा को
बड़ा भाई का बढ़ाने का काम किया गया। मौलाना बरेलवी ने सरकार और पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पैगम्बर इस्लाम बिल संसद में पास किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति पैगम्बर इस्लाम की शान में घुसताखी ना कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी बिल को पास करने पर सहमति जताएगी मुसलमान 2024 में उसी को वोट देंगे। वहीं उलमाओं ने मुसलमानों से अपील की कि मुसलमान अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं और अपने स्कूल खुद मुसलमान खोलें और अपने मदरसों में दीनी मालूमात उर्दू हिंदी इंग्लिश सब चीज पढ़ें और माँ बाप अपनी जमीन और जायदाद में लड़कों के साथ लड़कियों को भी हिस्सा दें। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान कानून के दायरे में रहें, ज़्यादा ना उछलें और मुसलमान को आधार कार्ड और वोटर आईडी समझदारी के साथ बनवाने की जरूरत है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान वोट का इस्तेमाल कर देश की तरक्की के लिए वोट दे सकें। वहीं इसमें एक और ऐलान किया गया कि जो पार्टी भी मुसलमानों के लिए काम करेगी हम उसी पार्टी को वोट देंगे और उसी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो उससे बड़ी अपडेट है बरेली में उर्से आला हजरत के मौके पर ये बड़े एजेंडे जारी उलमाओं ने किए हैं जिसके बाद भाजपा सरकार की मुश्किलें समारोह में शामिल होकर लौट रहे लोगों के साथ गुजरात की गोधरा जैसी घटना हो सकती है। दरअसल आपको बता दें शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है और इस समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे लोगों के साथ गोधरा जैसी घटना हो सकती है। दरअसल आपको बता दें गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेसवे से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर हमला किया गया था और उस डब्बे में आग लगा दी गई थी जिसमें कार सेवक सवार थे। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए थे। यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर जलगांव में ठाकरे ने दावा किया कि ऐसी संभावना है कि सरकार राम मंदिर उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है और उनकी वापसी यात्रा के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जनवरी 2024 में होने की संभावना है। इसलिए अब उन्होंने बड़ा बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है। इसी के साथ उछली पड़ की मन कैलकुलेशन बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अरविंदर सिंह फिर कांग्रेस पार्टी में कर सकते हैं वापसी। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल ही बीच कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सोनिया गांधी से कैप्टन अरविंदर सिंह ने आज गुपचुप तरीके से मुलाकात की है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका कैप्टन अरविंदर सिंह देने जा रहे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी कैप्टन अरविंदर सिंह करने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका होगा। इसी के साथ चली पड़ी मन का कृष्ण जवान में शाहरुख खान ने लगाई डॉक्टर कफील खान की बेगुनाही पर मोहर। डॉक्टर ने शाहरुख खान को कहा थैंक यू। दरअसल आपको बता दें शाहरुख खान की जवान मूवी सुपरहिट हो चुकी है। तीन दिनों में इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 386 करोड़ रुपए की कमाई की है और इस फिल्म में समाज से जुड़े मुद्दे और सरकार की जड़ों तक पहुंच चुके करप्शन को दिखाया गया है। इसमें ईमानदार लोग किस तरह प्रभावित होते हैं ये भी दिखाया गया है लेकिन इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने जवान में साम्या महोत्रा ने एक ऐसे डॉक्टर का किरदार निभाया है जो बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी कमाई को दांव पर लगा देती है। दरअसल ये सीन एक सच्ची घटना को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। सीन के मुताबिक एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी की वजह से 63 बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि इस घटना के लिए ईमानदार डॉक्टर को दोषी बताते हुए उसे ही अरेस्ट कर लिया जाता है। शाहरुख खान की मूवी जवान का ये सीन सच्ची घटना से इंस्पायर लगता है। दरअसल साल 2017 में गोरखपुर अस्पताल त्रस्ती में डॉक्टर कफील खान को भी अरेस्ट किया गया था। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। हालांकि फिल्म में इसके लिए डॉक्टर को नहीं बल्कि सरकार में फैले भ्रष्टाचार को दोषी बताया गया है। फिल्म रिलीज के बाद कफील खान ने सुपरस्टार शाहरुख खान को थैंक यू कहा है। डॉक्टर कफील खान ने शनिवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और जवान मेकर को उनकी जैसी घटना को
पिक्च राइज करने के लिए थैंक यू कहा। उन्होंने भी क्लियर किया कि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन रिलीज के बाद से उन्हें इसके बारे में मैसेज और शुभकामनाएं मिल रही हैं। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि मैंने जवान को नहीं देखा है, लेकिन लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मिस किया। कफील खान ने अपने पोस्ट में आई लिखा कि फिल्में लाइफ और असली जिंदगी में बहुत अंतर है। फिल्मों में सेना, स्वास्थ्य मंत्री आदि के दोषियों को सजा मिलती है, लेकिन यहाँ मैं और बे 81 परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। दरअसल आपको बता दें 63 बच्चों की मौत इस फिल्म में दिखाई गई है, जैसे कि डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने जेल में डलवाया था और डॉक्टर कफील खान पर NSA 50 बच्चों की मौत के मामले में NSA लगाया था और 2 साल कम से कम डॉक्टर कफील खान जेल में रहे थे और इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ही बच्चों को मारा है, जबकि ऑक्सीजन की कमी से ये मरे थे बच्चे, लेकिन ऑक्सीजन क्या।